कई लोग कमेंट में ये पूछ रहे थे कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं, और ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम भी होती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी असफल हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना ध्यान से। तो यहाँ पर सब बेटेंस सबकी एंगेजमेंट हुई है? नहीं नहीं, तो सबकी गर्लफ्रेंड तो होंगी। हाँ वो तो सबकी, वो चल मरेने दो, आग ऊँचा मत करो, मुझे पता है। तो उसी की दौर समझना हाँ, जैसे कि पहले आई कॉन्टेक्ट होता है, उसके बाद नंबर एक्सचेंज होता है, उसके बाद धीरे शाम की टाइम उसके कॉल का वेट करते हैं कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा। जैसे तैसे मान लो वो खाना बना रही है और फ़ोन दूर रखा है, और फ़ोन किसी का बजा तो तुरंत जाके देखना यार किसका फ़ोन है। चलो फ्रेंड का था, कोई बात नहीं। ऐसे धीरे धीरे और बाकी बात ऐसे 9-10 बजे या टाइमिंग के बाद कुछ भी कॉल का वेट किया और कॉल आई, उसके बाद बात करने लग रहा है दोनों के दोनों। हाँ 11 क्यों खाना खा लिया? वही जानू बाबू। हाँ वो बोलेगी नहीं नहीं यार मुझे आज भूख ही नहीं लग रही है। इधर से हाँ यार बस तो मुझे भी भूख नहीं लग रही है आज, तो दोनों को ही भूख नहीं लग रही। धीरे धीरे बात करते करते 12, 1, 2, 3, 4 कब बज गई कोई पता ही नहीं चला। कोई टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा है टाइम कब क्या हो रहा है, कोई शरीर में कोई प्रक्रिया ही नहीं। अगर इसी तरह की प्रक्रिया तुमने अपने गोल में लगा ली ना, तो तुमको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मेहनत करो और इसी तरह की मेहनत अपने गोल में लगा लो, देखते हैं फिर तुम असफल कैसे होते हो। इसीलिए फुल अपने गोल के लिए 100% में से 100% दो, देखना फिर आप कैसे असफल होंगे। कभी हो ही नहीं सकते हो आप अपने गोल को सिर्फ 15% से 20% या 50% देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी कोई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम असफल क्यों होते हैं। इस तरह से तुम एक लव स्टोरी में घुस के अपने दिल और दिमाग को लगाते हो, वही दिल और दिमाग अपने गोल के प्रति लगा लो, आपको कोई रोक नहीं सकता।